सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद फ्री फायर के अंदर आखिर क्या कुछ नया इवेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आज रात 12 बजे के बाद फ्री फायर के अंदर आखिर क्या कुछ नया इवेंट आने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आज रात 12 बजे के बाद जैसे ही आप लोग गेम को ओपन करेंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इलाइट पास सीजन 42, यानी कल हम लोगों के गेम के अंदर आने वाला है नया इलाइट पास। और गाइस मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये रहा इलाइट पास का ट्रेलर। और गाइस ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ओपी ट्रेलर है, आप लोग इसको देख के ही देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी ट्रेलर है। मतलब जितने भी सारे आज तक के ट्रेलर आए हैं उनमें से ये सबसे बढ़िया ट्रेलर आप लोग कह सकते हो। इसके अंदर एनिमेशन कार वगैरह बहुत ही ज़्यादा है और गाइस आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ओपी है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये इलाइट पास का ट्रेलर कैसा लगा। अभी चलिए हम लोग एक एक करके फुल इलाइट पास का रिव्यू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को ये वाला इलाइट पास लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले गाइस अगर बात करें स्पोर्ट्स कार की तो गाइस आप लोग देख सकते हो एक नया स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक टोपी जैसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा या फिर क्राउन आप लोग इसको कह सकते हो। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ओपी वाला फीमेल बंडल। इस इलाइट पास का ये होने वाला मेन फीमेल बंडल जो कि आप लोगों को कल देखने के मिल जाएगा गेम के अंदर। इसके बाद आप लोग को मिलने वाला इलाइट पास के अंदर एक ओपी वाले बैट का स्किन। गाइस ये जो बैट का स्किन है इसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं है, इसीलिए गाइस ये बैट का स्किन उतना ओपी नहीं है। लेकिन गाइस सरबोर्ड की अगर बात करें तो देखो कितना खतरनाक सरबोर्ड है, मुझे पर्सनली बताओ तो काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद गाइस एक ग्रेनेड का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इस इलाइट पास के अंदर। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ये ओपी वाला लूट बॉक्स। और गाइस इस बार हर एक चीज के अंदर आप लोगों को आग वाला एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए गाइस ये काफी ज्यादा ओपी ये इलाइट पास होने वाला और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद गाइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एक एवोल्यूशन स्टोन। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा अपना न्यू बैग का स्किन जो कि आप लोगों को इलाइट पास के अंदर से मिलने वाला ये ओपी वाले बैग का स्किन जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी है और एनिमेशन की तो क्या ही बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा ओपी है। इसी के साथ गाइस आप लोग मेल बंडल की अगर बात करें तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा अपना मेल बंडल जो कि सीजन 42 यानी कल आप लोग को 1 तारीख के दिन गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। गाइस इस महीने मतलब नवंबर के महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है मिस्ट्री शॉप जो कि 99% कन्फर्म हो चुका है। तो गाइस आप लोग अगर लेना चाहते हो तो थोड़े दिन रुक जाओ, 21-22 तारीख के टाइम पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मिस्ट्री शॉप, जिसके अंदर आप लोगों को इलाइट पास भी मिलने वाला है। मतलब 99% आप लोग इसको कंफर्म ही समझो। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये इलाइट पास कैसा लगा और अगर ये मिस्ट्री शॉप में आता है तो आप लोग इसको लेना चाहोगे या नहीं। सो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।